बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पे मंदरजा जैल को डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक, यानी कि दुरुस्तगी के दर्जे तक। पार्ट नंबर 1 है 87,932। टू सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि दो अहम हिंसों तक हमने राउंड करना है। यहाँ पे 87.9 की वजह से राउंड ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे आपने थर्ड डिजिट देखना है, अगर तो थर्ड डिजिट 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो तब राउंड ऑफ किया जाएगा। अब यहाँ पे 9 की वजह से राउंड ऑफ करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे राइट करेंगे 8, 8, यानी कि राउंड ऑफ करके यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 88। उस सिग्निफिकेंट फिगर के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 30 राइट करेंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे 88, तो रिमेनिंग जो डिजिट्स होंगे उतने 0 यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट है 3,890। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, 8 एंड 9। नेक्स्ट राइट है 0। अब यहाँ पे ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी, यहाँ पे राइट करेंगे सेम एज यही वैल्यू। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में सेम यही वैल्यू राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, 8 एंड 9। नेक्स्ट है 0, 0 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी। थर्ड है 7,90,253। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे 7 एंड 9। थर्ड फिगर यहाँ पे 0 है, 0 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं 7 एंड 9, यहाँ पे राइट करेंगे 79। रिमेनिंग जितने भी डिजिट्स हैं उतने हमने 0 यहाँ पे राइट करने हैं, तो रिमेनिंग डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे राइट करेंगे 40। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 10,025। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं 100। 2 फोर्थ नंबर पे है, 2 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर राइट करेंगे 1, 0 एंड 0। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, रिमेनिंग 2 डिजिट्स हैं 1 एंड 2, तो यहाँ पे 20 राइट करेंगे। पार्ट नंबर 5 18,954। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 अहम हिंसों तक हमने इसको राइट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 4 नंबर पे है 5 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी, 1 ऐड करेंगे तो 89 कन्वर्ट हो जाएगा 90 में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1, 9, 0, राउंड ऑफ करके ये वैल्यू होगी 190। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, 20 यहाँ पे राइट करेंगे। पार्ट नंबर 6 25,980। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 अहम हिंसों तक हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे राइट करेंगे 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 5 एंड 9, 8 की वजह से राउंड ऑफ करेंगे 59। राउंड ऑफ करके यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 60। 59 में 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 60। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, 6, 0। अब यहाँ पे 2 नेक्स्ट डिजिट्स हैं तो यहाँ पे राइट करेंगे 20। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इस तरह से राइट करेंगे वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 2, राउंड द नंबर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। अब यहाँ पे दी गई हदायात के मुताबिक अदाद को 0 से दूर, यहाँ पे राइट है अवे फ्रॉम 0, 0 से दूर राउंड करेंगे। पार्ट नंबर 1 है, अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो माइनस में होंगी, इस वजह से यहाँ पे राइट है अवे फ्रॉम 0। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है -27.3289। अब यहाँ पे राइट है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 3 अहम हिंसों तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे -27.3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 2, 7 एंड 3, 27.3। अब यहाँ पे हमने रिमेनिंग वैल्यूज के 0 राइट नहीं करने, तो यहाँ पे जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स राइट करेंगे, -27.3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पार्ट नंबर 2 -59,058। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 अहम हिंसों तक यहाँ पे हमने राइट करना है -59। नेक्स्ट थर्ड डिजिट है 0, 0 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं -59।
अब यहाँ पे ये वैल्यू डेसिमल में नहीं है तो रिमेनिंग थ्री डिजिट्स के यहाँ पे जीरो राइट करेंगे। अब यहाँ पे अगर वैल्यू डेसिमल में होगी तो रिमेनिंग वैल्यू के जीरो राइट नहीं करेंगे। अगर अमाउंट विदाउट डेसिमल होगी यानी कि पॉइंट के बगैर होगी तो आपने रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं उनके जीरो राइट करने हैं। पार्ट नंबर थ्री, माइनस 12,569, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, तीन अहम हिंसों तक हमने राइट करनी है। माइनस, अब यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 125, नेक्स्ट है फोर्थ पे 6, 6 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी 126। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है यानी कि पॉइंट नहीं है तो रिमेनिंग टू डिजिट्स के यहाँ पे राइट करेंगे जीरो। पार्ट नंबर फोर, माइनस 17.238, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे होंगे माइनस 17। अब यहाँ पे 1 और 7 ही टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पॉइंट राइट है इस वजह से नेक्स्ट डिजिट्स के जीरो राइट नहीं करेंगे। पार्ट नंबर फाइव, 0.003857, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, तीन अहम हिंसों तक यहाँ पे राइट करेंगे। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 385, यहाँ पे 7 की वजह से 5 को राउंड ऑफ करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे राइट करेंगे 0.0038, राउंड ऑफ करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 6। तो यहाँ पे ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट है पॉइंट, डेसिमल की वजह से रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं उसका जीरो राइट नहीं करेंगे। पार्ट नंबर सिक्स, 0.046743, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे राइट करेंगे 0.0467, ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4, 6, 7, 4 की वजह से अब यहाँ पे वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 4, 6, 7। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट को बता दूँ कि बुक पे इस वैल्यू का आंसर रॉन्ग है, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 0.0467। क्वेश्चन नंबर थ्री, राउंड द फॉलोइंग टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे दिए गए अदाद को राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल प्लेसेस तक या सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। पार्ट नंबर वन है 47/8, टू डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले 47 को डिवाइड करेंगे 8 पे। अब यहाँ पे वर्किंग में मैंने 47 को 8 पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे रिमाइंडर है 0 और यहाँ पे कोशेंट है 5.875। अब यहाँ पे डिवाइड करके राइट करेंगे कोशेंट 5.875। टू डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे राइट करेंगे 5.8। अब यहाँ पे राइट है 5 की वजह से ये राउंड ऑफ हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे 7 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 8, 5.88। यहाँ पे टू डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर टू, 5/27, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसका आंसर यहाँ पे राइट करना है। सबसे पहले 5 को डिवाइड करेंगे 27 पे। अब यहाँ पे वर्किंग में मैंने 5 को डिवाइड किया है 27 पे तो यहाँ पे रिमाइंडर है 5 और यहाँ पे वैल्यू आई है 0.185185। यहाँ पे राइट करेंगे 0.185185। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यहाँ पे आंसर राइट करना है, यहाँ पे राइट करेंगे 0.18। अब यहाँ पे थर्ड नंबर है 5, फोर्थ नंबर है 1 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी तो यहाँ पे राइट करेंगे 5। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर होगा 0.185। पार्ट नंबर थ्री, 22/27, थ्री डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर को शो करना है। यहाँ पे सबसे पहले 22 को डिवाइड करेंगे 27 पे। अब यहाँ पे वर्किंग में 22 को डिवाइड किया है 27 पे, यहाँ पे रिमाइंडर है 13 तो यहाँ पे वैल्यू आई है 0.81481। यहाँ पे राइट करेंगे 0.81481। थ्री डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर को शो करना है, यहाँ पे राइट करेंगे 0.81। अब यहाँ पे थर्ड नंबर है 4, फोर्थ नंबर है 8 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी, यहाँ पे 4 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5, 0.815। यहाँ पे थ्री डेसिमल प्लेसेस तक आंसर होगा। पार्ट नंबर फोर, 27/19,
थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यहाँ पे आंसर को शो करेंगे। सबसे पहले 27 को डिवाइड करेंगे 19 पे। अब यहाँ पे वर्किंग में 27 को डिवाइड किया है 19 पे, रिमाइंडर है 5 और यहाँ पे वैल्यू आई है 1.42105। यहाँ पे राइट करेंगे 1.42105। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे होंगे 1.42। 1 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी। थ्री फिगर्स हैं, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1.42, 1.42 यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर है। पार्ट नंबर 5, 37/53। थ्री डेसिमल प्लेसेस तक हमने यहाँ पे आंसर को शो करना है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को। अब यहाँ पे वर्किंग में मैंने 37 को 53 पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 0.69811। यहाँ पे राइट करेंगे 0.69811। थ्री डेसिमल प्लेसेस तक आंसर को शो करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 0.698। 1 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी। 0.698 थ्री डेसिमल प्लेसेस तक ये आंसर है। पार्ट नंबर 6, 77/83। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यहाँ पे आंसर को शो करेंगे। अब यहाँ पे इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। वर्किंग में 77 को डिवाइड किया है 83 पे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 0.92771। यहाँ पे राइट करेंगे 0.92771। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यहाँ पे वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 0.92। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राइट करना है। अब यहाँ पे इस 7 की वजह से इस 7 को राउंड ऑफ करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 8। 0.928 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, राउंड द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। राउंड करेंगे इन नंबर्स को रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक। फर्स्ट है 25.359, टू डेसिमल प्लेसेस तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 25.2, डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करेंगे 3। 9 की वजह से राउंड ऑफ करेंगे इसको तो यहाँ पे राइट करेंगे 6। 25.36, टू डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2, 0.002897। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 290। 7 की वजह से 89 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 90। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 290। 0.00290 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पार्ट नंबर 3, 0.0878। थ्री डेसिमल प्लेसेस तक इसको राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 0.08। अब यहाँ पे इस 8 की वजह से 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 8। 0.088 थ्री डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर है। पॉइंट के बाद हमने थ्री डिजिट तक इसका आंसर राइट करना है। नेक्स्ट है फोर्थ पे 17.00597। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे राइट करेंगे 17.0। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे राइट करेंगे 1, 7 एंड 0। रिमेनिंग वैल्यू के यहाँ पे 0 राइट नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू है पॉइंट में। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 0.0005246। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तीन अहम हिस्सों तक हमने यहाँ पे आंसर को राइट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 0.00052। 6 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5, 2, 5। पार्ट नंबर 6, 13.5876। थ्री डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 13.5। पॉइंट के बाद थ्री डिजिट तक हमने आंसर को राइट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 8। 6 की वजह से राउंड ऑफ करेंगे, 7 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 8। पॉइंट के बाद थ्री डिजिट तक आंसर को राइट करना है 13.5888। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर योर
अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को कंपेयर करना है। आल्सो चेक इन द सॉल्यूशन रीजनेबल आर नॉट। और यहाँ पे ये भी हमने चेक करना है कि जो सॉल्यूशन है वो रीजनेबल है या नहीं। यहाँ पे थ्री पार्ट्स हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट नंबर वन, 4.281 डिवाइड 2.157। अब यहाँ पे ये डिवीजन में वैल्यू है, टू डेसिमल प्लेसेस तक हमने यहाँ पे इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अप्रोक्सीमेटेड क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमने कंपेयर करना है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू के साथ। अप्रोक्सीमेटेड क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे 4.2। अब यहाँ पे राइट करेंगे 8, टू डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को यहाँ पे राइट करेंगे 4.28, पॉइंट के बाद टू डिजिट तक यहाँ पे वैल्यू को राइट करेंगे, डिवाइड 2.17 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6। पॉइंट के बाद टू डिजिट तक वैल्यू को राइट करेंगे, यहाँ से ले लेंगे 4.28, 1 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी, 4.28 डिवाइड, नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे 2.1 और यहाँ पे 7 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2.16। टू डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू सबसे पहले राइट करेंगे अप्रोक्सीमेटेड क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे वर्किंग मैंने सोल्व की है, 4.28 डिवाइड 2.16। सबसे पहले पॉइंट ऑफ करेंगे, अब यहाँ पे राइट करेंगे विदाउट पॉइंट वैल्यू 428 डिवाइड बाई 100, डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकल ले लेंगे इस वैल्यू का 100 डिवाइड बाई 216, 100 को 100 के साथ ऑफ करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू है 428 डिवाइड बाई 216। अब यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने किया है डिवाइड, डिवाइड करके यहाँ पे कोशेंट वैल्यू है 1.98148। इतना से आपने इसकी वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट अभी हमने वर्किंग में इसको फाइंड आउट किया है, यहाँ पे राइट करेंगे 1.98148। अब यहाँ पे मैं इसको राउंड ऑफ करके राइट करूँगी 1.9818 की वजह से 4 को राउंड ऑफ करेंगे 5। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट हमने फाइंड आउट कर लिया 1.9815। एक्चुअल कोशेंट, अब यहाँ पे ये जो एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पे वर्किंग में सोल्व करके एक्चुअल कोशेंट राइट करेंगे। अब यहाँ पे 4.281 डिवाइड 2.157 की वर्किंग मैंने सोल्व की है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ करेंगे, विदाउट पॉइंट वैल्यू राइट करेंगे 4,281 डिवाइड बाई 1,000, डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकल ले लेंगे इस वैल्यू का 1,000 डिवाइड बाई 2,157, 1,000 को 1,000 के साथ ऑफ करेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है 4,281 डिवाइड बाई 2,157, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को तो यहाँ पे कोशेंट है 1.98470। अब यहाँ पे ये हमने एक्चुअल कोशेंट फाइंड आउट किया है, पहले जो वर्किंग की थी वो अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट की थी, अब यहाँ पे एक्चुअल कोशेंट फाइंड आउट किया है। यहाँ पे राइट करेंगे एक्चुअल वैल्यू 4.281 डिवाइड 2.157, ये एक्चुअल वैल्यू है यानी कि असल वैल्यू है, ये वैल्यू हमने ली थी टू डेसिमल प्लेसेस तक। इसकी वर्किंग अभी हमने सॉल्व की तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1.98470। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एरर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 1.98470 एक्चुअल कोशेंट, माइनस करेंगे इसमें से अप्रोक्सीमेटेड कोशेंट 1.98470 में से माइनस करेंगे 1.9815 तो यहाँ पे वैल्यू आई है 0.0032। यहाँ पे राइट करेंगे 0.0032 तो यहाँ पे राइट करेंगे एरर इज स्मॉल। अब यहाँ पे ये जो गलती है ये बहुत छोटी सी है, क्योंकि यहाँ पे 0.0032 है,
एरर इज स्मॉल सो सोल्यूशन इज रीजनेबल, इस वजह से ये जो सोल्यूशन है ये रीजनेबल है। तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करें, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जो टू डिजिट तक हम राइट करेंगे वैल्यू 1.98, बुक पे इसका आंसर रॉन्ग गिवन है, इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो है 1.98। अब यहाँ पे सबसे पहले टू डेसिमल प्लेसेस तक हमने अप्रोक्सीमेटेड क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, फिर एक्चुअल क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे यानी कि जो असल वैल्यू है उसका क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद एरर फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे एरर इज स्मॉल सो सोल्यूशन इज रीजनेबल। क्वेश्चन नंबर टू, 3.348 - 2.104, टू डेसिमल प्लेसेस तक इस वैल्यू को सबसे पहले राइट करेंगे और फिर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस, डिफरेंस मीन माइनस, अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 3.38 की वजह से इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5। टू डेसिमल प्लेसेस तक हमने वैल्यू को राइट करना है, 3.38 की वजह से राउंड ऑफ किया तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5। माइनस 2.1, अब यहाँ पे 4 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी तो यहाँ पे राइट करेंगे 0। 3.35 में से माइनस करेंगे 2.10। अब यहाँ पे वर्किंग में 3.35 में से माइनस करेंगे 2.10 तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1.25। यहाँ पे राइट करेंगे 1.25। एक्चुअल डिफरेंस ले लेंगे, एक्चुअल डिफरेंस का मतलब है असल वैल्यू का यहाँ पे डिफरेंस लेंगे यानी कि असल वैल्यू को माइनस करेंगे। 3.348 - 2.104, 3.348 में से माइनस करेंगे 2.104 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.244। यहाँ पे राइट करेंगे 1.244। अब यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस है यानी कि टू डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को राइट करके डिफरेंस फाइंड आउट किया है और उसके बाद हमने असल जो वैल्यू है उसका डिफरेंस यहाँ पे यानी कि असल वैल्यू को माइनस करके यहाँ पे वैल्यू को राइट किया है। कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एरर फाइंड आउट करेंगे, 1.244 में से जो एक्चुअल डिफरेंस है उसमें से माइनस करेंगे 1.25। ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन राइट करेंगे। माइनस करेंगे इस वैल्यू को, 1.244 में से माइनस करेंगे 1.25 को तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.006। यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 0.006, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन राइट करेंगे 0.006। अब यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 0.006। अब यहाँ पे ये जो एरर है कंपेयर करने के बाद ये जो एरर है ये बहुत ही छोटा एरर है तो यहाँ पे राइट करेंगे एरर इज स्मॉल सो सोल्यूशन इज रीजनेबल। अब यहाँ पे जो आंसर होगा यानी कि टू डेसिमल प्लेसेस तक जो आंसर होगा वो होगा 1.24। इस 4 की वजह से ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होगी तो यहाँ पे ये जो आंसर हम शो करेंगे वो होगा 1.24। पार्ट नंबर 3, 2.281 × 3.567, टू डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट लेंगे यानी कि अप्रोक्सीमेटेड मल्टीप्लाई करेंगे टू डेसिमल प्लेसेस तक। यहाँ पे राइट करेंगे 2.28, मल्टीप्लाई करेंगे 3.57 की वजह से वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7। 2.28 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.57 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 8.1396। अब यहाँ पे ये है अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट लेंगे एक्चुअल वैल्यू का यानी कि असल वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2.281 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.567 के साथ, 2.281 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.567 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 8.136327। यहाँ पे राइट करेंगे 8.136327। ये अप्रोक्सीमेटेड प्रोडक्ट है टू डेसिमल प्लेसेस तक, एक्चुअल प्रोडक्ट है यहाँ पे ये। अब यहाँ पे एरर को फाइंड आउट करेंगे, इन टू वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, यहाँ पे राइट करेंगे 8.136
3.27, माइनस करेंगे इसमें से 8.1396, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, माइनस 0.003273। एब्सोल्यूट वैल्यू होगी यहाँ पे 0.003273। अब यहाँ पे देखें जो एरर है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे द वैल्यू ऑफ एरर इज स्मॉल सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। तो यहाँ पे जो एरर है वो स्मॉल है, इस वजह से सॉल्यूशन रीजनेबल है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, आंसर में 2 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू को राइट करेंगे, 8.16 की वजह से वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे 4, 8.14 यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्चुअल प्रोडक्ट का आंसर होगा।